प्रणाम सबगोटा के, जय मिथिला, जय मैथिली, जय मिथिलावासी। हम रेखा झा शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के माध्यम से एक बार फिर अपने सब सने जुड़ गेलो हैं अपन बहुत चर्चित प्रोग्राम ल क व्यक्तित्व और कृतित्व। व्यक्तित्व और कृतित्व शिमर इंटरनेशनल के एक प्रयास है, एक आयोजन है शिमर इंटरनेशनल फिल्म्स, जेकर फाउंडर सुमित भाई जी छथिन आ जिनकर ये प्रयास है कि हम सब मिथिला और मैथिली के अपन अपन योगदान क सकी, अपन मिथिला के विभूति सबके बारे में जानी, अपन मिथिला के सांस्कृतिक धरोहर के बारे में जानी, बात करी अपन मैथिली भाषा में और ए तरीका से हम सब अपन अपन जे भरसक प्रयत्न क सके छी से करी। तो ग्राउंड पर धरातल पर से हो शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल अपन काज क रहल है और बहुत खुशी के साथ हम अहाँ सबके बतावा चाहे छी जे आए के जे हम सब मिथिला के सांस्कृतिक धरोहर के बात करब ओय पर शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के डॉक्यूमेंट्री से हो बन चुकल छे और ओहो सब पे खुशी के बात छे जे आए हमर सब के व्याख्याकर्ता जी जुड़ल छे, हुनके सहयोग से, हुनके बौद्धिक मार्गदर्शन से, हुनके सपोर्ट से हम सब वो डॉक्यूमेंट्री बनेने चलो हैं जो यूट्यूब पर अहाँ सब देख सके छी। तब बेसी अहाँ सबके समय नहीं ले, सबसे पहले आए के जे हमर सब के व्याख्याकर्ता जी छे हुनका हम जोड़ रहल छी। प्रणाम सर, अपने के बहुत बहुत स्वागत करे छी, अपने के अभिनंदन करे छी शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के माध्यम से। और सर कोनो परिचय के मोहताज नहीं छथि तैयो हम दर्शक सब के बतावा चाहे छी, सर डॉक्टर रंगनाथ दिवाकर जी शिक्षाविद सेवानिवृत्त अपर सचिव छथि हमरा सबसे जुड़लत है और शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के बौद्धिक मार्गदर्शन हमरा सबके सर सब बैठत रहे है और कंदर्पी जे आए के हमर सबके मिथिला के हम सब सांस्कृतिक धरोहर के बात कर रहल छी ओय पर जे हम सब डॉक्यूमेंट्री बनेलो ओय में सर के पूरा पूरा बौद्धिक मार्गदर्शन और सहयोग भेटल। और ओहो सब एक बात जे हम सर अहाँ के बतावा चाहे छी जे शिमर फिल्म्स इंटरनेशनल के जे हमर यात्रा अपन शुरू भेल सेहो अपने के साथ शुरू भेल, अपने सने हमर पहला अपन एपिसोड छला तो ओ हम हमेशा याद रखे छी, ओय ला सर अपना के अपना तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दे छी जे अपने हमरो सपोर्ट केलो आगू आवे में, हमरा सहयोग देलो। अपने के हृदय से स्वागत करत, अपने से निवेदन करब सर जे कनी अपना बारे में और हमरा सबके बताएल जाए। स्वागत सर। गाम सुल्तानपुर छे कुशेश्वर स्थान लग, बिहार प्रशासनिक सेवा में रही, अवकाश ग्रहण केलो। तीन चार टा चीज जे हमरा बहुत कचोटे छला ओहि पर हम काज केलिए, ओ बिंदु सब जे छे जे जना कंदरपी घाट है जे लोग कहे छे दही चूरा चीनी मात्र करत तासीर एकर शीतल होइ छे, तो एकर जे शौर्य छे मिथिला के जे शौर्य छे सेहो अपना आप में अद्भुत छे, ओकरा सामने आनबाक प्रयास करिए। मंडन मिश्र के कहल जाय छे जे हिनका संगे शंकराचार्य संगे शास्त्रार्थ भेल छल, ई एकदम असत्य बात छे, मिथ्या छे, एकरा हम सब प्रमाणित के लिए है। शंकराचार्य के 788 से 820 यानी 32 वर्ष उम्र रहन आ शंकर दिग्विजय में हुनका से 200 वर्ष पहले भेल बान आ 200 वर्ष बाद भेल उदयन उदयनाचार्य संगे शास्त्रार्थ देखाल गेल छे, ओ कपोल कल्पित कल्पना छे। अइ सब पर हम सब काज केलौं, महाकवि कालिदास के अहाँ जे कहि रहल छी जे पहिले पहिल कार्यक्रम भेल है महाकवि कालिदास के मैथिलत्व पर काज केलौं, इएह सब काज करैत रहै छी अपन। बहुत आभार सर अपने के, और अपने के जे एकटा व्यक्तित्व है से एकटा अलग आभार राखे है, और अपने के जे सपोर्ट है मिथिला और मैथिली के में जे अहाँ अपन सहयोग कर रहल छी, अपन जे योगदान कर रहल छी से अभूतपूर्व है। तो दर्शक सबके हम बताबा चाहे छिए जे आए जे हम सब बात कर रहल छी अपन मिथिला के सांस्कृतिक धरोहर के ओए हमर सबके मिथिला विजय प्रदीप कदरबी घाट। तो सर सबसे पहले अपने से निवेदन करबे जे हमरा सबके सबसे पहले ई मार्गदर्शन देल जाए जे हम सब कना उम्हर पहुंची, कतः स्थित छे आ कना हम सब उम्हर तक जाके ओकर दर्शन कर सके छी। कार्यक्रम के जे शुरुआत से पहिने हम चाहब जे हम कंदरपी युद्ध के में शहीद आम मैथिल और सैनिक
हुनका सबके नमन करै छी। आइ 2 अक्टूबर बिल्कुल छै, सही। जी जी गांधी जी बाबा और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस अछि, हुनको सबके नमन करै छी। जहाँ जी तक सर कंदरपी घाट केना जा सकै छी, कंदरपी घाट कतौ छी? कंदरपी घाट मधुबनी जिला में अन्हराठाड़ी प्रखंड और झंझारपुर प्रखंड सीमा स्थल पर छी। झंझारपुर के जे महरेल गाम छे ओहिसे आगू और अन्हराठाड़ी के जे कर्णपुर और हरना ओकर जे त्रिवेणी कहल जाए जी ओहि ठाम अवस्थित छे। छहर बनले 55-56 में, ओहि छहर के बाद ओ घाट पर हमसब मिथिला विजय स्तंभ बनेलिए। 3 टा जे कूप रहे ओकर से छहर के पेट में चल। बहुत बढ़िया सर। जेना आपने कहले जे हम सब अपन जे हमर सबके शहीद छथि, जे हमर सबके देश ले अपन जान न्योछावर कयलथि, हुनका सबके याद करैत हुनकर सबके आत्मा के हम सब नमन करै छी। आ जेना सर अपने याद दिएलथि है, आय के बहुत सुअवसर छै, आय गांधी जी के शास्त्री जी के जन्मदिन छै सेहो छै, तो बहुत बढ़िया संजोग बनले है जे हम सब अपन देश के, अपन भारत माता के, अपन माँ भारती के धन्य समझे अपना आप के। और हम सब इतने बढ़िया टॉपिक चुनलो है और सर के निमंत्रित के लिए है जे सर ऐसा बढ़िया ए टॉपिक पर हमारा सबके और क्यों मार्गदर्शन नहीं कर सके चला। तो सर अपने के बहुत आभार करे छी। आ अपने से एक निवेदन औरो करा चाहे छी सर, जे कुन ऐतिहासिक परिपेक्ष में हमारा सबके संपूर्ण ज्ञान देल जाए, जे जे हमर सबके आई जे हम सब चर्चा कर रहल छी ओई के बारे में पूरा हम सब अहाँ के श्रीमुख से अपन ज्ञान बढ़ावा चाहे छी। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जे मिथिला के जे इमेज छे ओ भ गेल छे जे मैथिल वैदुष्य के, याज्ञवल्क से शुरू करू आ वाचस्पति या बच्चा झा तक आओ, एहि रूप में मिथिला के इमेज बन गेल छे। मुदा जे मिथिला के शौर्य छे ओहो बहुत बहुत प्रतिष्ठित शौर्य रहले है। अहाँ सब राजा शिव सिंह के नाम सुनने हेबे, सब आदमी विद्यापति जी महाकवि विद्यापति जी के संरक्षक रहथिन। वो स्वर्ण सिक्का चलनहार पहिल मिथिला नरेश छलाह, और पंच गौरेश्वर जेमे कि बंगाल पर सेहो हुनकर अधिकार छल, वो अपन शहादत देने छथिन युद्ध भूमि में। हालांकि बहुत आदमी के कथन छन जो ओतय से निपत्ता भ गेलखिन, मुदा हुनकर युद्ध भूमि में शहादत भेल छै। अहिना ओही ओनिवार वंश के लक्ष्मीनाथ सिंह देव रहथिन, 1526 में बंगालक नुसरत शाह रहे, हुनका संगे भेल युद्ध में ओहो वीरगति पौने छलाह। फिर खंडवला राजकुल जखन रहे ओहि में पुरुषोत्तम ठाकुर 1623 ईस्वी में किला घाट दरभंगा ओहि ठाम भेल युद्ध में हुनकर शहादत भेल छलनि। और मिथिलेश राघव सिंह ओ सेहो अपन शौर्य 1701 से 1739 तक रहलखिन, हुनको शौर्य में कहल जाइ छै जे कि शौर्यवान आदमी रहथिन। और हुनकर जे पुत्र रहथिन नरेंद्र सिंह, जिनका हुनका बारे में ते किछ कहले नहि जेबाक चाही, जते पहले युद्ध भेल छलै सब में मानल जाइ छलै जे कनी कतौ हार कतौ जीत एना होइ छलै, मुदा ओ तो अपन शौर्य से मिथिला के संप्रभुता प्राप्त करा देलखिन कंदरपी घाट के युद्ध वाह में। वाह तो जे हम सब जे आई विचार करबाक लेल बैसल छी, ओहि में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखल जेते तो कंदरपी युद्ध के बारे में संक्षेप में या कहल जा सकै छै, एकर जे पूर्व पीठिका छै या कारण कहबै से, ओहि समय में अलीवर्दी खां के बिहार बंगाल के नवाब रहे, मुर्शिदाबाद में पटना से रहित रहथिन। तो हुनकर जे जे प्रगति भेल रहन एटा साधारण आदमी से वो आगू बढ़ के नवाब भेल रहे। हुनकर जमाय रहथिन हैबत जंग, और ओहि समय में मराठा सब बहुत तंग करैत रहे अलीवर्दी खां के। तो एकटा अपन विश्वस्त सरदार रहन हुनकर जे जे बबर जंग नाम रहे, हुनका कहलखिन जे तू यदि मुस्तफा भास्कर के, भास्कर जे सेनापति रहे मराठा के एम्हर अबै छलै, जे ओकर मुड़ी काटि के आनि देबै तो तोरा मुँह मांगा रकम देबो आ बिहार के नायब सूबेदारी देबो। ओ
जाके ई काज कह दिल सुतल में जाके काट के आन के मुड़ी हिनका दे दिल बहुत पैघ विजय रहे। मुदा अलीवर्दी के मन में इच्छा रहे जे हम अपन जमा के बनाबी बिहार के सूबेदार, तैं वो 17 लाख रुपया मंगल के से दो दलखिन मुदा वो राशि नहीं दलखिन, ये राशि दो दलखिन और बिहार के सूबेदारी नहीं दलखिन, एकरा लो के वो बहुत खिन्न भेल और अपन सेना तैयार केलक आ वो पटना पर आक्रमण करवा के लेल चल दलक 20,000 सेना लो के। रानी सराय ए रानी सराय ने बार लग छे एक टा बाग छे जाफर खां के बाग में ओठाम युद्ध के इंतजाम के लगे तो सब मिथिलेश के से हो आमंत्रण भेटलन, ओय में हैबत जंग के तरफ से हैबत जंग और नरेंद्र सिंह में बढ़िया मित्रता चले। ओय युद्ध में नरेंद्र सिंह द्रोणवार राजकुल जे नरहन स्टेट छे नरहन के रहथिन केशो शाह के सुपुत्र अजीत शाह, उ हुनका संग में उ गेलखिन ओय में अलीवर्दी के बाह पुरे ले। ओय युद्ध में उ 1745 के भेल रहे युद्ध 14 और 21 जनवरी के 1745 में। ओय युद्ध में नरेंद्र सिंह बहुत और अजीत शाह बहुत वीरता प्रदर्शित केने रहथिन बहुत पैघ, तो ऐसे प्रसन्न भ के अलीवर्दी जे छे से मिथिला से कर वसूली शिथिल क दिल के। एकटा बहुत चंद्र कवि के एकटा बहुत बढ़िया पद छे, ऐसे महाघोर जो जंग सुल्तानी बीच झुमत बबर जंग संगर करिंद्र है औल या नवाब नामदार पूछे बार बार ये तो कौन अरिवा नर परिंद्र है साहेब सुजान जैनुद्दीन अहमद खान सामने हुए अर्ज करे कहे कवि चंद्र है ये तो दोनों बार केशो शाह के अजीत शाह आगे राघव सिंह जी के नवल नरिंद्र है। ये कवित्व छे आई कवित्व के बहुत आदमी कन्फ्यूज भ्रम स्थिति भेलन जे कि लोग कंदर्पी घाट के युद्ध से जोड़ दिल के, हकीकत में ई कवित्व के कारण अलीवर्दी मिथिला से कर वसूली शिथिल कह देने रही। और जखन 1752 ईस्वी में जखन अलीवर्दी के कनी बूढ़ जका भ गेल हथिन 75 वर्ष उम्र भ गेल रहन हुनकर, तकर बाद जे छे से राम नारायण एहिठामक बनलखिन नायब नाजिब और उ की केलखिन जे कर वसूली के लेल देखलखिन जे कि मिथिला से कर आबि नहि रहल अछि तऽ दूत के पठायल गेलै आ दूत के पठायल गेलै और ओहि दूत सब जे छै से एहिठाम एलै आ कहलकनि जे महाराज के जे मिथिलेश नरेंद्र सिंह के जे अहाँ कर दियौ 16,48,142 रुपया रहे वो निर्धारित कल रहन मांगल खिन। मिथिलेश कहलखिन जे कि हम तो कर दे छे युद्ध के मैदान में, मगर अभिप्राय छलन जे जखन संकट अबे छे शाही सेना पर तखन हम कर दे छे, ओना तो कर हम नहीं दे छे। ये सब दूत सब जाके उल्टा पुल्टा समझा दिल के जे ई तो कहे छे जे हम कर तर नहीं देव आब अहाँ के जे करवा के कर करू हम युद्ध के मैदाने में कर दे छे। ओकरा कारणे राजा राम नारायण फौजदार भेल रहे दरभंगा के भिखारी माता 1752 में, उनका आदेश देलखिन जे जाके अहाँ तिरहुत के सिर करो तिरहुत को फतह क देला, तो वो सब जे छे से आक्रमण भेले और ए युद्ध के असली कारण वह छे कर वसूली कर नहीं देलखिन, तेकरा कारणे युद्ध भेल चले। युद्ध के बारे में चले जे ई शुरू भ गेल है दुर्गा पूजा शुरू भ गेल है, एकरा कहल गेल है जे आप जे हम सब अखन जे एकरा भवारा में जे लड़ाई हेते तो बहुत जान माल के क्षति होते और मिथिलेश नरेंद्र सिंह के उस समय में जे दरभंग झंझारपुर थाना अखन छे वही पूरा पट्टा एरिया में जे इंडस्ट्रियल एरिया छले पहिने ओई में हुनकर सैनिक छावनी रहे, तो निर्णय भेले जे कंदरपी के घाट के में ओही ठाम युद्ध हुआ
आबि गेलखिन कन्दर्पी घाट युद्ध, भिखारी माथा के सेना सेहो एलै, और 4, 5, 6, 7 माने 5, 6, 7 अष्टमी नवमी दशमी के विशाल भयंकर युद्ध भेल है। ओना जखन गंग द्वार घाट पर पार करैत रहथिन रामपट्टी, ओहि समय में झड़प ओतै से शुरू भ गेल रहै। तैं एकरा समय हमसब निर्धारित केने छियै 4, 5, 6, 7 अक्टूबर 1753 एहि युद्ध के समय। ओना बहुत प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी सब एकर समय 2 बेर अलग अलग निर्धारित कलखिन है। उनका से किस कन्फ्यूजन भेल रहन, भ्रम भेल रहन जे अ युद्ध में जैनुद्दीन अहमद खां सेहो भाग लेलखिन, वह कंदरपी जे जाफर खां के बाग में जे 1745 में भेल रहे युद्ध, ओहि युद्ध से जोड़ के देखला के कारण किछ भ्रम के स्थिति भेले। 1748 में हैबत जंग के कत्ल कऽ देने रहे, और जी तकर बाद जे अफगान सब पकड़ लेल, अफगान सब पटना पर आक्रमण चढ़ गेले, पटना के तहस नहस कऽ देने रहे। तखन 16 अप्रैल 1748 के अलीवर्दी ओहिठाम से चल आग के रानी सराय के युद्ध में, भयंकर युद्ध में, रानी सराय के जे युद्ध भेले ओ भयंकर रहे। ओहि समय के जत्ते बड़का बड़का सेना नायक सब रहथिन, सरदार खां, शमशेर खां, सब मारल गेल रहा। पिछला जे भेल रहा मोहिद्दीन नगर किला वाला, ते में शमशेर खां के जिक्र आयल छे। ओ शमशेर खां के अही युद्ध में, रानी सराय के युद्ध में 16 अप्रैल 1748 के उनकर मृत्यु भेल छलै। बहुत नीक सर, अपने के विश्राम दे तखन हम दर्शक सब के नाम जरूर लेव चाहबन जे आई स्वागत के झड़ी लागल छन कौशल किशोर जी, अजय झा जी और शरदिंदु चौधरी जी, डॉक्टर कन्हैया झा जी, भावना मिश्रा जी, प्रफुल्ल चंद्र सर गुरु जी प्रणाम करे छी, प्रेम झा जी सब अपने के स्वागत कर रहा छन और कहे छन बहुत बढ़िया जानकारी भेट रहा है। और आज के दिन डॉक्टर कन्हैया झा जी कहे छत आजुक दिन ऐतिहासिक दिन है, 300 वर्ष पूर्वक इतिहास के पुनर्जीवित कर रहा इतिहासकार महान विद्वान डॉक्टर रंगनाथ दिवाकर व्याख्यान दे रहा छत वाकई। और सर हम अपने आप के बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रहा छी, और किया ओकर एकटा कारण छे कि आज हम सब जे अपन ऐतिहासिक धरोहर के बात कर रहा छी ओय में ओय जगह पर ओय मिट्टी पर ओ वीर जवान सबके बलि देने छथि अपन अपन जीवन के, हुनकर सबके उम्र रक्त बहले है जे अपन देश ला, अपन राज्य ला, अपन मिथिला ला, अपन जान न्योछावर के ला। तो हमरा सबके ई सौभाग्य है जे हम सब ओहि मिट्टी से बिलोंग करे छी, ओहि मिट्टी से हम सब छी, ओहि मिथिला से हम सब छी, हुनका सबके नमन करे और हुनकर सबके शहादत से हमरा सबके अपन जीवन में एकटा जरूर एकटा सीख लेबाक चाही। सर अपने के स्वागत करे, क्षमा चाहे छी अपने के बीच में रोक देलहुँ सर, ऐतिहासिक बहुत बढ़िया सर हमरा सबके जानकारी भेट रहल है, ओकरा प्लीज सर कंटिन्यू कैल जाए। सब दर्शक गण के सेहो हमर नमस्कार। आब जे युद्ध जे बजरले, जखन युद्ध शुरू भेले तो 4 तारीख के, तो हल्का 4 अक्टूबर के हल्लुक फल्लुक युद्ध भेले सप्तमी के दिन। अष्टमी दिन भयंकर भयंकर युद्ध बजर गेल रहे। ओय में ओकर सलावत राय रहथिन भिखारी माथा दिस से, ओ बहुत हुनकर प्रहार से मिथिला के सेना छत विक्षत भ गेल रहे। ओहि काल में स्थिति बहुत विकट रहे, और तखन एकटा उमराव सिंह रहथिन जे आबि के अपन द्वंद युद्ध में सलावत राय के मारि देलखिन। अपन ओहि सफलता पर युद्धोन्माद में एहन स्थिति भ गेलनि जे अपन घोड़ा के ओ भिखारी माथा के हाथी पर फना देलखिन, और ओहि उड़ैत घोड़ा से कूद के भिखारी माथा के हौदा पर चल गेले, और ओहिठाम भिखारी माथा के पछाड़े के क्रम में हुनकर गोली से ओ हुनकर शहादत भेल रहे उमराव सिंह के। उमराव सिंह के बारे में एतेक किछु जानकारी अपेक्षित जरूर छे जे उमराव सिंह जे अपना सब के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह के पितामह यानी दादा ग्रैंडफादर रहतीन,
हुनकर ओ आयल रहथिन मित्रजीत सिंह टकारी से आयल रहथिन, ई सब मिथिला दिस से लड़ल रहथिन। हुनकर जे मंगरौनी छे गाम, मंगरौनी में हुनकर गुरुद्वारा रहन उमराव सिंह के, कुंवर सिंह के, तो जी जी वही संबंध से ई सब मिथिला दिस से युद्ध केने रहथिन। तो उमराव सिंह के शहादत के बाद जे फिर युद्ध चले, अष्टमी के भले नौमी, अंतिम स्थिति एहन आबि गेल रहे जे युद्ध में एहन विकट परिस्थिति भ गेलै जे भिखारी माथा के जे बेटा रहथिन श्याम माथा, ओ बहुत बहुत पैघ वीर, ओ जे छे से फिर स्थिति खराब कऽ देलखिन। तखन मिथिला के सेना के बहुत संकट स्थिति आबि गेल रहे। तो ओहन परिस्थिति में कमलाकांत रहथिन, बहुत नवयुवक कमलाकांत, ओहि युद्ध में श्याम माथा के सुता देलखिन। तकर बाद जे छे भिखारी माथा दलमलित भ गेला आ ओ युद्ध भूमि छोड़ के परा गेला। एकटा जे बहुत पैघ बात छे एहिमे, जे एहि युद्ध के महत्व स्थापित करै छे, ओ छे कंदर्पी युद्ध के आन युद्ध से अलग करै छे। ओ बहुत जी पैघ ओ छे जे आमतौर पर दू राजा के बीच में युद्ध होइ छे, जी मुदा ई युद्ध दू राजा के बीच में नहीं रहले। मिथिलेश नरेंद्र सिंह अपन ओ युद्ध में सेहो उतरल छलखिन अपने, और जखन ओ स्वयं युद्ध में उतरलखिन और भयंकर वीरता देखबैत शत्रु दल के दलमलित कऽ देलखिन, तब अंतिम दिन के स्थिति ई रहे जो ओ अपील केलखिन, हुनकर आह्वान भेलैन, तो आम मैथिल जाति और धर्म से ऊपर उठ के एहि युद्ध में भाग लेलकै। ई सबसे पैघ वाह, बात छै एहि अद्भुत युद्ध सर, के लिए। अद्भुत। और आश्चर्य एक एकर छे जे ओहि युद्ध में जिनकर सबके, जे सबके युद्ध के कोनो प्रशिक्षण नहीं लेने रहती, युद्ध कला से अनभिज्ञ, घर में जे लाठी गनासा फरसा रहे छे ऊ लके आम मैथिल युद्ध भूमि पहुंच गेले। और वाह नरेंद्र सिंह के आह्वान पर और शिशोत्सर्ग कह के लोग जान दिल के अपन धरती के लिए, अपन स्वाभिमान के लिए, अपन देश के लिए, अपन राजा वाह के लिए। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और तकर सर। बाद मतलब अपने जे बता रहल छथि, इतने सजीव चित्रण कर रहल छथि जे हमरा लग रहा है हमहु ओहि युद्ध स्थल पर पहुंच गेलो हैं। आ कते ओ ऐतिहासिक और कते वीरता से भरल क्षण हेतै, और वो नरेश के एकटा आवाज पर आ कते बढ़िया संदेश ऐसा आबि रहल छै जे हम सब धर्म जाति से ऊपर उठ कर अपन देश के, अपन समाज के, अपन जे हमर सबके स्थान है ओकर हम सब मान सम्मान ले अपन जान तक निछावर कर दी सर। तो ई वाकई जे अपने कहलत है, ई युद्ध सबसे सब युद्ध से अलग छे, सब युद्ध से महान छे, और बहुत सजीव दर्शन अपने करा रहल छे सर हमरा। तो ओहि ला अपने के बहुत बहुत साधुवाद दै छी। और एहि युद्ध के एकटा और महत्वपूर्ण भारतवर्ष के एक कुमुद सिंह जी लिखलखिन है जे जी भारतवर्ष के कोनो राजा द्वारा जीतल गेल ई अंतिम युद्ध है, माने एकर बाद भारत के ओ कोनो राजा कोनो युद्ध नहीं जीत सकला। एहि युद्ध दृष्टि सँ सेहो एहि युद्ध के बहुत महत्व छै। वाह और एकटा जे सामान्य स्थिति आबि गेलै है, अलीवर्दी मुस्लिम रहे, एहि युद्ध में हिंदू संगे मुस्लिम सेहो मिथिला दिस से लड़ल छै। एक अधिवक्ता छथि अतिकुर रहमान, मुखिया रहथिन अपना हरना पंचायत के, हुनकर जी पुरखा एकटा पीर बख्श रहथिन। पीर बख्श के मात्र 16 वर्ष के उम्र में हुनका एहि युद्ध में भाग लेबाक लेल और अनुपम वीरता देखेबाक लेल जेठ रैयती देने रहथिन मिथिलेश नरेंद्र सिंह। ई एहि वाह युद्ध के बहुत पैघ गरिमापूर्ण अध्याय छै। कहल वाह जाय छै जे एहि युद्ध के बाद एतेक आदमी संख्या में लोक के शहादत भेलै जे संस्कार के समस्या भेलै। तब सबके ओ जनोई उतार के और जनोई के प्रतीकात्मक संस्कार भेलै। ओ जनोई जनऊ के यज्ञोपवीत जे छे पवित्री संग ओकरा जोखल गेल रहे, ओ 74 शेर भेल रहे। ओ और मिथिला में ई एकटा बहुत पैघ बात छे, कहल
कम से कम 20वीं सदी के शुरुआत में एकर ई प्रचलित में रहे जे कोई लोग अपन जे गोपनीय पत्र लिखे चले ओय पर 74 अंक लिख दे चले। 74 अंक के अभिप्राय चले जे कोई जिनका नाम से ई पत्र है वह टा ई पत्र पढ़ सके छे। दोसर यदि कोई पत्र पढ़ता तो हुनका ओते ब्रह्म हत्या के पाप लागत जतेक संख्या में युद्ध कंदर्पी युद्ध में जनौधारी के मृत्यु भेल रहे। ओह माय गॉड, एकर अभूतपूर्व जानकारी सर, बहुत बहुत अभूतपूर्व जानकारी हमरा सबके भेट रहल है आए। ओहि समय में ई बात छले जे ब्राह्मण के साथ साथ क्षत्रिय कायस्थ यादव सोनार अमात ई चोट इहो सब जनो पहिरैत रहथिन। ई सही छे मुदा युद्ध में जे भेले ओहि जनऊ के जे 74 शेर जनऊ के ओहि पर सुरेंद्र शैल के एकटा बहुत प्रसिद्ध कविता छनि 74 शेर जनऊक शपथ। हम सब जे एहि युद्ध के जे भयावहता छे ऐसा अनुमान लगायल जा सके छे जे कते ई भेल हेती। युद्ध के बाद 3टा कूप खुनायल गेल रहे बहुत पैघ पैघ। ओहि में ओ तीनू कूप के हम देखने रहिए। आब तो वो भत्थन भ गेलै आब नहीं छे। एकटा में नरेंद्र सिंह के हाथी के नाम रहे गंगा प्रसाद ओहि हाथी के संस्कार भेलै। दोसर में जनऊ सब के आ तेसर में सब जे सैनिक सब रहे तिनका सब के दो के हुनका सब के संस्कार कयल गेलै। तो वाह ई जे वो दुर्भाग्य के बात ई छे जे कि हमर इतिहास के जे गौरवशाली पृष्ठ छलै जे ओहि कंदर्पी युद्ध के बाद वो तीनों कूप भत्थन भ गेलै। ओ इतिहास में एकर चर्चा सबसे बेसी केने छथिन प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी मुदा साहित्य में एहि पर बहुत लिखल गेलै। कंदर्पी घाट पर लाल कवि के छै कंदर्पी घाट समर वर्णन या भिखारी भंग नाम छे ओकर। लाल कवि रहथिन हिनकर मंगनौनी के मनबोध के अनुज रहथिन आ गोपाल कवि रहथिन बेहटा के निवासी। ओ लिखने छथिन श्रीमद खंडवला कुल विनोद ओहि में कंदर्पी घाट समर वर्णन छे। एकर बाद ईश कवि के नरेंद्र विजय श्याम कवि के दोहावली राजेश्वर झा कंदर्पी घाट नाटक लिखलनि जीवनाथ झा वीर नरेंद्र सिंह लिखलनि ललतेश्वर झा के टूटती बेरिया असंत परीक्षा छे अमरनाथ झा कंदर्पी घाट लिखलनि सुरेंद्र सैल के 74 शेर जनऊक शपथ आनंद मोहन झा के रण रणरंक बजाओ शंख कुकुन है। ये वाह एतेक रचना ई पर भेल छे। हमर जे पोथी छे एक एही वाह, यो एही अद्भुत पर सर, छे अद्भुत, बहुत बहुत नीक सर, बहुत और नीक। एहि युद्ध में किछ चीज छे जे कि विलक्षण छे। एहि युद्ध के बाद के एकटा हरिना में हरिना पहले पेट में रहे छहर के पेट में 66 में बाढ़ है अयलै तो मंदिर ओहिठाम एकटा नरेंद्र विजया भगवती के स्थापना केने रहथिन दरभंगा राज के दिस से भेल रहे। ओ मंदिर खसि पड़लै तखन जखन मंदिर खसैत रहे तखन लोग सब ओहि परोपट्टा के लोग सब जाके ओहि में से नरेंद्र विजया भगवती के उखाड़ के आनलखिन। भगवती के उखड़ते मंदिर भसिया गेलै जना एकरे प्रतीक्षा करते हुए जे भगवती ओ एहिठाम से निकल जाए। वाह, अद्भुत। ओहि मंदिर आ ओहि भगवती के तस्वीर वाह वाह, बहुत बढ़िया, अछि। बहुत बढ़िया आ रहा है, हमरा लग रहा है सब हमरा सने सब दर्शक सब से हो अपना आप के धन्य महसूस कर रहा लेते जे आए सर के श्री मुख से हमरा सब के एक इतने सजीव और विलक्षण जानकारी हमरा सब के भेट रहा है, हमरा सब के सर दर्शन से हो करे लेते है। और सर हम एकटा बात में जरूर जोड़ा चाहब जे सैनिक जे हमरा सब के शहादत दिलाते है जे हमरा सब के धर्म जाति से आगू बढ़ कर मिथिला के गौरव ले जे अपन प्राण न्यौछावर के लेत ओ सब तीर चले ला तलवार चले ला अपन जान के न्यौछावर के लेत, लेकिन अहाँ सब और जे साहित्यकार सब कलम चले लेत है ओहो सब उतवे सम्मान के पात्र छे, उतवे हुनका सबके ऊंचा सम्मान ऊंचा हुनका सबके स्थान भेटवाक चाहिए जे ओहि घाट के ओहि विजय के ओहि युद्ध के ते संजीव चित्रण के लेत है और हुनका
इतिहास में साहित्य में लिख के ओकरा अमर कर देलखिन आ हम सब हमरा सब के एकटा धरोहर रे हम सब जे पढ़ी जानी ओके बारे में समझी। लेकिन एकटा जे सर अपने कहलात है जे उम्र आब इतने उम्र देखभाल नहीं होई छे जना तीनों कुआं के सर अपने कहलात है से बहुत दुख के बात छे। इतने प्रयास करे के बाद इतने विलक्षण स्थान होए के बाद इतने लेखनी के बाद से हो अगर ऊपर देखभाल नहीं भ रहल छे तो ई हमरा सब लाइक का बहुत सोचनी और दुख के विषय हमरा लाइक रहल है सर। आई युद्ध में जे हथियार सब के प्रयोग भेल रहे एकर फोटो आई है। वाह और छे ये अखन नरगौना पैलेस में छे राखल ही सब अद्भुत सर अद्भुत। आई कंदरपी घाट लड़ाई जे पहला बेर किताब छपल रहे तेकर तस्वीर छे आई पोथी में छे। हम सब ई जखन जखन एहि पर किस काज करबाक इच्छा रहे हम जन शोध करैत रही तखन एक बेर गेल रही तो जूता में पवित्री फसल रहे वो जाके देखलियन पंडित सहदेव झा के तो कहलखिन जे अरे बाप रे तो हम तो पवित्री नहीं बुझैत रहिए वह कहलखिन जे पवित्री छे जनऊ में राखल गेल एहि घटना से हम जुड़ गेलिए ओतो कंदरपी घाट से। और जखन झंझारपुर SDM में पोस्टिंग भेलै तो ओहिठाम सबके सहयोग से एकटा मिथिला विजय स्तंभ के निर्माण करेलिए ओ ओहि निर्माण जे जै दिन ओकर शिलान्यास रहे पंडित आई के जे वाइस चांसलर छथिन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय डॉक्टर शिवनाथ झा वो एकर पौरोहित्य केने रहथिन हम जजमान बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर बहुत निक प्रयास आ हमरा लगे जे अपने एकते निक कार्य के लेत है जे कलम से त ओकरा अमर कइए देलखिन अपन लेखने से साथ में एकटा स्मारक प्रतीक चिन्ह बना कर से हो हमरा सब के गौरव और सम्मान के बहुत ऊंचा सर अहाँ अपने उठा दिलो है तो सर ओला अपने के बहुत बहुत साधुवाद दे छी। अरे एकटा प्रश्न जे हमरा बार बार दिमाग में आबि रहल है जे हम सब एकटा हमर सब के कोनो व्यक्तिगत अनुभव होय है कोनो एकटा व्यक्तिगत हमर सब के अंदर से एकटा आवाज रही है तो अपने सर इतने जे कदरपी घाट के पूरा जानकारी ले लाए पूरा ओय पर विश्लेषण के लाए पूरा शोध के लाए तो ओय में कोनो अपन सर अहाँ के कोनो व्यक्तिगत कोनो एहन जीवनी या कोनो एहन अहाँ के विचार रहे जे अहाँ के ओय के तरफ मोड़ देलक सेहो हम सब आए एहि प्लेटफॉर्म से जरूर जानना चाहब सर। नहीं वो घटना तो वह छे जे जखन रिसर्च करित रही है तखन एक बेर गेल रही कंदरपी तो जूता में जूता बॉल में धसल रहे तो वो पवित्र जल जूता निकाल लिए तो संगे पवित्री निकल बहरायल रहे। ई घटना हमरा ओइसे व्यक्तिगत रूप से जोड़ दिल के जना हमरा झंझारपुर SDM रही तो हमरा होय छले जे हम किछ खेबाक चाही जना लागे जे रात के कोई आवाज दैया कंदरपी के शहीद सब अपना बुझाइत रहे किछ हेबाक चाही तो बहुत पदाधिकारी ओतो गेलखिन एलखिन लेकिन किनको दिमाग में नहीं एलन हमरा यश हमरा लिखल रहे तो हम केलौ। बिल्कुल सही सर बिल्कुल सही 12 फरवरी 2012 सर अपने कहला है कि आप हमरा समझ आयल है जे अहाँ के अंदर से आवाज आवे छला ईश्वर चाहे छला था ईश्वर के यहाँ पर विशेष अनुकंपा छन जे अहाँ से अहाँ के हाथ द्वारा अहाँ के श्री हाथ से ओ एक नेक कार्य करेला था तो ईश्वर चाहे छला था जे सर अपने कार्य करते आ जे अपने इतने शोध के ने छे सर इतने अभूतपूर्व विलक्षण जानकारी हमरा सबके ए पर भेट रहल है हमरा नहीं लगे कोनो और प्लेटफॉर्म से आ कोनो और माध्यम से हमरा सबके जानकारी भेट पेतै तो एक बार अपने से क्षमा चाहे हम एक बार फेरो दर्शक सबके नाम लेबा चाहबन। कौशल किशोर जी कहे छे सजीव और विलक्षण व्याख्या चंद्रमोहन झा जी डॉक्टर कन्हैया झा जी श्यामानंद चौधरी जी सब अपने के धन्यवाद कह रहा छे कहे छे विलक्षण जानकारी भेट रहा है। और सर हम श्रीमा फिल्म्स इंटरनेशनल के माध्यम से हृदय से अपने के आभार दे छी जे आए हमरा सब के बहुत धन्य के लायत है जे इतने बढ़िया जानकारी साथ में भेट रहा है और सर के लेखनी के देख कर तो हम सब बहुत प्रभावित भ रहा छी अपने चित्रण से हो हमरा सब के देखे लायत है सर ओहि ला अहाँ के बहुत बहुत साधुवाद। आ सर एक प्रश्न हम और पूछा चाहब
जना अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के पूरा विस्तृत हमरा सबके जानकारी दिले थे, संस्कृति को बतेले थे, जना धार्मिको दृष्टि से की सर एकर कोनो कोनो कड़ी छे या कोनो जुड़ाव छे, तो सर ओहो जरूर जानकारी हम लेब चाहब। निश्चित रूप से कंदरपी जे ओठाम जे नदी छे कमला नदी, ओकर जल लोग बुझे छे श्रावण में जना कवरिया सब जाए छे ना, तहिना ओठाम से जल लोके लोक लोकल स्थानीय जे छे चाहे विदेश्वर स्थान होए या हरि चंडेश्वर स्थान होए, ओहि सब में लोग जाके जल चढ़वे छथिन। एकटा नारायण दास एकटा आगू जाके एकटा संत आश्रम सेहो बना देलखिन हैं ओतय। वाह, ओहिठाम तो धार्मिक महत्व छै, ओकर सांस्कृतिक महत्व तो निश्चित रूप से चाहिए, और आई का यह कारण छै जे कि ओकर बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा सम्मान भेटले ओहि कंदरपी के, और एकर जखन अनावरण भेल रहे शिलान्यास भेल रहे 20 जनवरी 2010 के, अनावरण भेल रहे 12 फरवरी 2014 के, तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री माननीय नीतीश मिश्रा जी के कर कमल से भेल रहे, ओहि दिन के जे दृश्य छले पुष्प वृष्टि बैंड पार्टी बाज रहल है आ पुष्प वृष्टि करैत हुनका आनल गेल, आ ओ जै में सब जात के सब धर्म के लोग उपस्थित छले, ई नहीं कहल जा सके छले के ई किनकर समारोह छे, जना संपूर्ण मिथिलांचल के लेल ई काज छले, और ई ई घटना के एकर ओ दुनू समारोह में बहुत संख्या में लोग जुटल रहे, एकदम कल्पनातीत जकरा कह सके छिए अहाँ, और बहुत सामूहिक रूप से एकर समारोह पूर्वक दुनू काज भेले शिलान्यास आ विमोचन। एक दूटा चीज समय छे तो एक दूटा चीज कह जावे। जी सर, जी जरूर जरूर। कंदरपी युद्ध के जे महत्व तो कह देने रही, एक दूटा चीज बहुत विलक्षण ओहिठामक जे अहाँ कहलिए सांस्कृतिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य में, ओहि में ओकर जे हमरा सबके जना अंदाज है जे जखन मन जे हम अनुमान लगेलिए है जे समय में युद्ध भेल हेतै मिथिला में, ऐसे पैघ युद्ध कोनो नहि भेल छै ओहि समय में, जे पानि सबके घर में डाबा टांगल जाय छै, जखन मरै छै घर के आगू में एक डाबा टांगल जाय छै जे में से कुछ से पानी नीचा चुए छै, ओहि समय के जे स्थिति रहते अनरा ठाढ़ी होए जे बनोर होए जे ओ इलाका के छै या महरेल नौलखा टोल, ऐ सब में के जे स्थिति चले जे सब प्राय घर में सब घर से लोग मरल रहे ओहि में शहादत देने रहे, ओ सब घर के आगू में डाबा टांगल गेल रहे, और ओ जै घर में मृत्यु निश्चित रूप से दुखद बात छे, ई कंदरपीय युद्ध चले जे लोग ओई मृत्यु के त्रासदी नहीं मानल के, लोग ओकरा बुझल के जे डाबा टांगल छे जेकरा घर में नहीं टांगल रहे ऊ बुझे जे हम हीन भावना ओकरा में आवे, ई पहिल युद्ध छे, पहिल युद्ध छे जेकरा जै में जेकरा बाद मृत्यु के लोग गौरव के चीज मानल के, मृत्यु के अवसाद के चीज नहीं मानल के, और एहन भयंकरतम त्रासदी के लोग बिसरा दिल के, ओई त्रासदी पर ओकरा देशभक्ति के जे भाव छले उ भाव के कारण उ लोग ओई जे त्रासदी रहे विकट त्रासदी रहे ओहि से पैघ त्रासदी मिथिला में आयल नहीं चले कहियो, कम से कम 5,000 आदमी दुनू पक्ष मिला के मरल छले, तो इतने आदमी जे मरल छे जे युद्ध में, और ओई ओई त्रासदी के गौरव माननाय ओई डावा जे टांगल जाय छले ओकरा गौरव लोग माने छले, ई पैघ बात छे, बहुत पैघ बात छे सर, बहुत पैघ बात छे। हमरा लगे जना जन्म के उत्सव मनायल जाय छे तनहे जना सर अपने अपने के शब्द के हम अगर अनुमान लगाबी तो हमरा लगे ओ मृत्यु के ओ शहादत के उत्सव मनायल जा रहल छले ओई समय में जना अपने कह रहल छै। निश्चित एक दुर्भाग्य के बात ही छे जे कि इतिहासकार सब एक युद्ध पर बहुत काज नहीं कलखिन,
मुस्लिम इतिहासकार सब के त रहन जे कि ई कोनो करद राजा के हाथ पराजय हुनका सब के स्वीकार जे नै छलै, मुदा जी जे जे बाद के इतिहासकार भेलखिन ओ सब एहि पर बहुत कम काज केलखिन। सब किछु काज केलखिन त प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी केलखिन, आ ओ किछु काज केने रह केले रहथिन, बाद के जे काज भेले से हमरे हिस्सा में रहे तो, लेकिन इहो छे जे कि एकरा कारणे एहि युद्ध के कारणे एहि एहि चर्चा के एहि कारणे हमरा जे सम्मान भेटले है तकरा हम वर्णन नहीं कह सकै छी, बहुत बहुत सम्मान भेटल। एनीवे हम जे एक दूटा चीज कह चाहबे इतिहासकार सब के जी जे दिमाग में कुछ भ्रांति छन जे एहि युद्ध के लऽ के ताहि में किछ साक्ष्य देनाय जरूरी छै। जेना जी 74 शेर जनू एकर चर्चा छै और मिथिला के कण कण में व्याप्त छै ई बात जे ओ युद्ध में 12 पसेरी से बेसी जनऊ जोखल गेल रहे। पीर बख्श के 16 वर्ष के उम्र में जेठ रैयत बनेनाय ई प्रमाणित करै छै जे एहि युद्ध में आम आदमी जाति धर्म से ऊपर उठ के भाग लेला। बिल्कुल सही मिथिलेश सर नरेंद्र सिंह के जे प्रिया रानी रहतीन पद्मावत नाम रहन, ओ जी मिथिलांचल में एकटा ओ अंधा ठाड़ी में बहुत अधिक संख्या में केवट जात के लोग शहादत देने रहे, तो ओकरा सबके विधवा सबके देखभाल मनहाल जाने के लेल रानी अपने गेलखिन ओत अनरा ओठाम पूछलखिन, तो हम सब कहलखिन जे कि अहाँ सबके माने हमरा सबके पानी पिए के बहुत कष्ट छे, तो एक पोखर खुनाल गेले जे महारानी पोखर आइयो छे वर्तमान, वाह ओकर नाम वाह अद्भुत महारानी पोखर नाम छे। और मिथिलांचल माने अनरा में अनरा में बहुत हाल तक कोई जे विडो विधवा भ जाए छले तेकरा लोक पैघ आदमी सब ओकरा या बोल भरोस दे छले जे रानी पद्मावती के आशीर्वाद छे एई गाम के, जे तो के विधवा के कोनो कष्ट नहीं हेते। वाह ई जे प्रसंग छे एकदम ओ अखनो ओकरा मान्य माने छे, लोग कहे छे ई जे जन 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 में जे बसल छे एकरा ई बहुत महत्वपूर्ण चीज छे। बहुत महत्वपूर्ण छे सर, आ हमरा लागे ई गंगा जमुनी जे हमरा सबके सभ्यता है संस्कृति है ओ हमरा सबके बिसरवाक ने चाही, ओ हमरा सबके याद रखवाक चाही। आ साथ में हमरा सबके बुद्धिनाथ मिश्रा सर सेहो जुड़ल थे, कहे छथि कंदरपी घाट के लुप्त भेल स जानकारी देले दिवाकर जी के हम बहुत कृतज्ञ छी। प्रणाम करै छी सर अपने सबके और अपने सबके आभार दै छी दर्शक सबके जे अहाँ सब हमरा सबके प्रोग्राम के पसंद करै छी। आ हमरा सबके बौद्धिक मार्गदर्शन भेट रहल है सर के, आ सर के सहयोग से हम सब डॉक्यूमेंट्री बना पावे में सफल भेल छलहुँ हैं। आ सर हम ईश्वर से कामना करै छी जे अपने सलामत रही और हम सब आगू आबे वाला अपन संतान ले एकटा ई इतिहास में एकटा ई स्तंभ जना सर एकटा हमरा लागे कनी नेटवर्क इशू के वजह से सर के हम सब मिस कर देलियन है। तो हम शिमा फिल्म इंटरनेशनल के माध्यम से रेखा झा सब दर्शक सब के बहुत बहुत सम्मान करे छी, स्वागत करे छी, यहाँ सब हमरा सब से जुड़े छी अमित आनंद जी, प्रदीप कुमार झा जी, डॉक्टर कन्हैया जी, बुद्धिनाथ मिश्रा सर और सुनील कुमार दास जी, अपने सब से हमरा सब से जुड़ कर हमरा सबके सहयोग दे रहा छी, हमरा सबके प्रोग्राम पसंद कर रहा छी। आ हमर सबके ई प्रोग्राम शिमा फिल्म्स इंटरनेशनल के माध्यम से जे अहाँ सबके समक्ष प्रस्तुत कयल जाइए सर के हम जोड़े के कोशिश कर रहा छी। सर फिर हाँ। हमरा सबसे ने जुड़ गए थे, हमरा लगे नेटवर्क इशू भ गए चले सर, जानकारी तो हमरा लगे अपने के पास इतने छन जे हम सब वो समय सीमा में बांधने बहुत मुश्किल छे, तो एक बार हम सके फेरो आब पड़त ए मैं अपन विषय पर फेरो से चर्चा करो पड़त। लेकिन मन नहीं कर रहा है लेकिन समय के मान रखे आई के सेशन हमरा खत्म करो पड़त इमरे, ओइसे पहिने सर ईश्वर से प्रार्थना करी छी अपने सलामत रही और हमरा सबके एहने अभूतपूर्व जानकारी देत रही। आ जायत जायत शिमा फिल्म्स इंटरनेशनल के माध्यम से सर एकटा संदेश
अपने से हम सब जरूर चाहब। संदेश के रूप में यदि एक जे हम सब जे अपना लेल काज करै छी उ काज ने कनी मिथिला के लेल सेहो काज हेबाक चाही। हम सब घर में हिंदी बजै छी आर सब ठाम हिंदी बजलौ, ई बहुत अनर्थकारी चीज छी। ई जो अहाँ मिथिला के सम्मान तखने भ सके छे जहन अहाँ अपन धियापुता संगे मैथिली बजबे। ई सबसे पैघ जे संदेश हमर या छे जे मिथिला के लेल सोची। हम पदाधिकारी रही अखन तक मोन नहीं है कोई कह नहीं सके छे जे कोनो मैथिली मैथिल से हम हिंदी में बात केने आब, यानी कि पदाधिकारिये रहलिए शुरू दिन आप बेसी मधुबनीये में रहलिए। जी तो ई चीज जे छे से सबके करबाक चाही, लोग के एहि पर ध्यान रखबाक चाही जे जखन घर शुरू हेतै घर मजबूत हेतै तकर बादे बाहर मजबूत भ सकै छै। अहाँ काज करू, जते काज करबा के सब करू, मुदा किछु काज एहन जे अवश्य करू जे अपना लेल नहि हो, उस समाज के लेल हो, मिथिला के लेल हो, ओहि में ओकर प्रगति भ सकै छै। बिल्कुल सही, बहुत बहुत आभार सर अपने के संदेश। जी सर, हम सब जे सुमित जी के सौजन्य कहू, सिमर फिल्म्स के सौजन्य कहू, जे फिल्म वृत्त चित्र बनेलिए है कंदरपी पर, ओकर एक बेर लोकार्पण 10 वर्ष पुरला के बाद जे 20 जनवरी के भेल रहे, आ फिर ओकर दोसर लोक मतलब फिल्म के प्रदर्शन, आ दोसर प्रदर्शन ओहिमे किछु काट छाँट के आवश्यकता पड़ गेलै, ओकर बाद आबि गेलै बहुत झंझट वाला समय कोरोना, एकर जी। दोसर प्रदर्शन छठ में हेते। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ईश्वर से कामना करे छी जे हम सब जा का उम्हर फिरो से उम्हर एक बार फिरो पूरा फीचर फिल्म बने, पूरा एक अंदरपी घाट पर हम सब विस्तृत जानकारी जत्ते सर अपने साथ में रखने छे से पूरा जानकारी हम सब अपन दर्शक सब ले आनी समक्ष प्रस्तुत करी। और यही भावना के साथ, यही कामना के साथ कि सर अपने सलामत रही, हमरा सके योगदान सहयोग अनहे भेटत रहे, अपने सपोर्ट भेटत रहे, सब दर्शक सब के आभार देत। आज के सेशन इम्हे समाप्त करे छी सर अपने के एक बार फिर बहुत बहुत आभार। और सीमा फिल्म इंटरनेशनल के माध्यम से सब दर्शक जन के आभार, हम के आभार, बहुत बहुत आभार सर। आज के प्रोग्राम में समाप्त करे छी। जय मिथिला, जय मैथिली, जय मिथिलावासी, प्रणाम सब गोटा के। जय मिथिला, जय मैथिली।